कार्तिक स्नान चल रहे हैं और कार्तिक स्नान की पूर्णाहुति पूर्णिमा के अवसर पर होती है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक माह तक ये कार्तिक स्नान चलते हैं और समापन होता है इसका दीपदान से। आज का महात्म्य यही है कि सरोवर के तटों पर जाके, नदियों के तटों पर जाके और दीपदान करना। दीपदान करने से पापों का शमन होता है, नाश होता है। दीपदान का विशेष महत्व रहता है और महीना भी कार्तिक का हो। दीपदान करने से पापों का शमन होता है, पापों का नाश होता है और अंतर ज्योति से शक्तिमान होता है। अपना शरीर भी, तन भी, मन भी और विशेष करके एक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जिलों की नगरी उदयपुर में है, यहाँ पर जो महिला भक्त हैं उन्होंने दीपदान किया है और यहाँ पे आके और उन्होंने ये परंपरा निभाई है। कार्तिक स्नान की परंपरा का एक क्रम है ये। आप बताओ आज के दिन क्या किया जाता है, बताओ? आज के दिन दीपदान करते हैं, वे वैकुंठी चौदस है, इस दिन उपवास करते हैं कार्तिक महीने का और पूर्णिमा के दिन इनका समापन होता है। पूरे महीने व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर घाट की पूजा करते हैं और हरि भंडते हैं। अच्छा, आप बताओ क्या परंपरा निभाई जा रही है? सुबह 4 बजे उठ के हरी भंड रहे, स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। महीने से आज इसका दीपदान का महत्व है, ये दीपदान कर रहे हैं। आप बताओ कितने दीपक यहाँ पे जलाते हैं? 35 दीपक से हमने दीपक करा है और अलग से एक्स्ट्रा दीपदान और अलग से करा है और घाट की पूजा, पूरे मतलब घाट की पूजा भी करी है। इससे हमारा पूरे महीने समुद्र देव की पूजा की, इससे पूरे महीने का लाभ मिल जाएगा हमें। ये दीपक जलाने से अपने घर की मतलब रोशन रहता है और अच्छा है, मतलब भगवान सुख समृद्धि देते हैं। व्रत कार्तिक महीने करने से व्रत करना चाहिए। दीपक जलाने से क्या होता है? हमारे भारत में 2 मिनट दीपक जलाने से पापों का शमन होता है, अपने दीपदान करने से। कार्तिक मास में इसकी बहुत जीवन में उजाला आता है, अपने जीवन में उजाला आता है। नमस्कार मित्रों, मैं कौशिकी झा बूंदी राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और उदयपुर में दिवाली के कुछ खास दिन सेलिब्रेशन देखने के लिए आई हूँ, जिसमें आज दिवाली के देवउठनी 11 से और आज 5वां दिन है जिसमें आज के दिन दीपदान होता है और आज हम लोग होता है, जिसे देखने के लिए मैं गणगौर घाट पर उपस्थित हुई हूँ। और आज काफ़ी लोगों ने यहाँ पर दीपदान किए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और कल इसका आखिरी दिन होगा तो हम गणगौर घाट पर बैठकर इन खूबसूरत दीयों की आनंद खूबसूरती देख रहे हैं। धन्यवाद। आप बताओ आज वैकुंठ चतुर्दशी है और ये दीपक यहाँ पे तेरा रहे, क्या कहना? तो वही वाली बात है ना कि 11 के दिन से 5 दिन तक हो जाते हैं, ये खास त्यौहार मानते हैं और धार्मिक है और पुण्य मानते हैं सब लोग कि इससे करने से पुण्य मिलता है। भगवान की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना स्वरूप करते हैं। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको ये? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख के, दीपदान देख के और भगवान विष्णु की आराधना है ये तो एक जैसे। 5 दिन के लिए सब लोग यहाँ आते हैं, दीपदान करते हैं, बहुत सुंदर लगता है गणगौरी घाट, बस हम इसी को देखने आए। आप बताओ जिस तरह से पुष्कर में है, हरिद्वार में है, ये दीपदान करते हैं, यहाँ पे भी आपने देखा है, क्या कहना है आपका? हरिद्वार तो काफ़ी ज़्यादा जी, बताएं क्या कहना है आपका, कहाँ से है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम अनामिका है और मैं यूपी लखनऊ से हूँ और मैं यहाँ से MBA कर रही हूँ उदयपुर से, और उदयपुर मेरी फेवरेट प्लेस है और इसमें गणगौर घाट मेरी सबसे मतलब फेवरेट जगह है। हाँ। और यहाँ आके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये जो दीपदान हो रहा है तो ये मुझे यहाँ बहुत पसंद आ रहा है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। स्नान पूर्ण होने जा रहा है और इस अवसर पर महिलाएं विशेष करके पूजन अर्चन करती हैं और चतुर्थी यानी कि वैकुंठ चतुर्थी पर दीपक जलाकर और पिछोला झील में, विशेष करके झीलों में ये तैराती हैं। क्या है इसकी महत्ता जी, बताएं?
के नाम आपका? ये कार्तिक भगवान की पूजा होती है, इसमें एक महीने तक कंटिन्यू बच्चियाँ लेडीज सब जने इसकी पूजा करती है, व्रत करती है, स्नान करते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, इसमें पटवारी पूछते हैं, तरह तरह के घाट बदलाते हैं, सब तरह की पूजा होती है। फिर एक महीने बाद इनको या गंगोर घाट है कौन सा भी स्थान है उस घाट पे लाते, फिर इनकी पूजा करते हैं और इनकी वो टाटे बोराते हैं, 33 दीपक करते हैं इनके लिए। फिर इनको खुशी खुशी बच्चे तैयार होती है आती है उस उत्सव के साथ कि हमारा एक महीना पूरा हो गया, फिर ये यहाँ संपूर्ण करती है। आप बताओ कितनी खुशी होती है इस हमको? बहुत सारी खुशी होती है, इतनी सारी मेहनत की और एंजॉय की और एक महीना भूखे रह के और आज इनके सफल हो गया है। लड़कियों ने जो ये व्रत किया इसके उसके उपलक्ष्य में ये कहना चाहती हूँ कि हमने हम लोगों ने इनके साथ 2 दिन बताओ क्या कहना है? दोस्त तो नाते हम गल थे और गार्ड बदलने गए थे 5 और आज मेरा ताती पड़ाना है। कितने बजे उठते हो आप? हम डेली ना 5 बजे उठते हैं और फिर स्नान करके 5 बजे पूजा करने जाते हैं मंदिर में और फिर रिटर्न साधा। मैं रामपुरा रहती हूँ और राजकीय कर्मचारी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा नाम भावी तमामी है और मैं क्लास 10th में सातवीं से आई हूँ और मैं कार्तिक स्नान के लिए उदयपुर आई हूँ। ये मेरा नन्याल है और मेरा नाम है भव्या दमामी है और मैं क्लास 11th आर्ट्स में पढ़ती हूँ और हमने बहुत इंजॉय किया कार्तिक स्नान। कार्तिक महीने में ऐसा भी शास्त्रों में माना जाता है कि जो भवन का निर्माण करके देवताओं को चढ़ाते हैं मंदिर में जाकर और उसमें श्रीफल और देवताओं का निवास कराते हैं और ऐसी ही हटड़ी ऐसी ही जो झोंपड़ी या भवन कहते हैं चाहे मिट्टी का हो या लकड़ी का हो या अन्य वस्तुओं से बना हुआ हो वो देवी देवताओं को चढ़ाते हैं मंदिर में ले जाकर, तो उन्हें पुनर्जन्म में ऐसा ही भवन मिलता है या परलोक में ऐसा ही भवन मिलता है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। लोग आज भी इसी परंपरा को निभाते हैं और ऐसे भवन बना के ये भगवान को चढ़ाते हैं। क्या है इस परंपरा की महत्ता और किस तरह से ये परंपरा निभाई जाती है देखिए ये हमारे साथ खबर बताएं। क्या परंपरा है और क्या क्या करते हैं इसमें? कार्तिक महीना सबसे बड़ा महीना होता है और भगवान कृष्ण का दिन है। पूरे महीनों का तक लोग कार्तिक का स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कथा करते हैं और कोई मंदिर चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चढ़ाते हैं। 11 के दिन तुलसा जी की शादी भी करते हैं, तुलसा जी बनाते हैं और खूब धूमधाम से है, धूमधाम से कार्तिक महीने का लोग व्रत करते हैं और भगवान किसी की इच्छा हो जाती है तो भगवान घर भी चढ़ाते। क्या चढ़ाते हैं भगवान इसमें? मकान में है, आज वैकुंठी चौदस है तो भगवान की वैकुंठी चढ़ाते हैं, उसमें कृष्ण भगवान राधा जी की मूर्ति रखते हैं, गौ रखते हैं और 5 बर्तन बेस आदमी के और औरत के दोनों के बेस रखते हैं और छोटे मोटी अपने खाने की सामग्री सब रखते हैं, जो भी अपने हुए वो सब। और कितने मंजिल का मकान बनाते हैं? आप चाहो तो 1 मंजिल का बनाओ, चाहो तो अपने 5 मंजिल का बनाओ। अच्छा। अपनी इच्छा पे बात है और हमने तो घर पे बनाया है। तो ये मकान बनाने से क्या होता है? अभी भगवान को मकान भेंट करेंगे तो अगले जन्म में भगवान अपन को भी मकान देंगे, इसीलिए भगवान की मनोकामना पूर्ण होती है तो भगवान इच्छा हो गई तो चढ़ा दिया भगवान। आप बताओ आपकी क्या भावना है, किस भावना से मकान बनाया? बोलो। मकान तो मैंने बनाया कि भगवान को चढ़ाने के लिए,
ताकि अगर हम इस जन्म में भगवान को मकान चढ़ाएंगे तो भगवान अगले जन्म में हमें भी मकान देगा रहने के लिए, और ये सोच के तो इस जन्म में के लिए बनाया है या उस अगले जन्म के लिए? इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे वही तो हमें अगले जन्म में मिलेगा उसका फल। अगर हम अभी अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमें भी मिलेगा। कितने मंजिल का बनाया आपने? अभी मैंने 2 मंजिल का घर बनाया। अच्छा, तो अगले जन्म में भी 2 मंजिल का मकान बने? 2 मंजिल का मकान। अच्छा अच्छा, भगवान जगन्नाथ देंगे 2 मंजिल का मकान। हाँ हाँ, जगन्नाथ के आश्रय बैठे हैं तो सब जगन्नाथ की पूर्ति करेगा अपने। तो ये मकान है भगवान को चढ़ाने के लिए, और भेंट भगवान को भेंट करते हैं उसमें अच्छा रहता है भगवान के लिए। अच्छा, क्या 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 मकान बनाते हैं ये? ये कार्तिक मास होता है, बड़ा महीना होता है, इसलिए भगवान को चढ़ाने के लिए आवश्यकता है। कार्तिक मास की जब दस आती है ना, तो मैंने वैकुंठ में वैकुंठी और घर मकान पूरा मकान का सामान, रसोई का, खाने पीने का, कपड़े लते सब चढ़ाते हैं। भगवान के वहाँ जाने के बाद सब हमको मिलेगा, इसलिए वहाँ सब चढ़ाते हैं। और बड़ी चौदस आती है वैकुंठ में भगवान ले जाते हैं, तो हमको आगे जाने के बाद पूरा मकान भरा हुआ मिलना चाहिए, इसलिए चढ़ाते हैं लोग। क्या क्या करते हैं आज? आज वैकुंठी चौदस है ना, तो आज क्या है कि 35 कार्तिक महीने का है, बहुत महत्व है, तो 35 दीपक गंगोर घाट पे पत्तल में, डोने में या कोई सजा के उसके अंदर रख के भगवान के दीपक करके कंकु चावल छिड़क के फिर उसमें पानी में तैरानी चाहिए, इसका महत्व है आज। अच्छा, आज वैकुंठी चौदस। भारतीय संस्कृति समृद्ध है और इसकी परंपराएं भी समृद्ध हैं, बस इसको अपनाकर अपने जीवन को धन्य बनाना है। और आज ये महिलाएं सरोवर तटों पर, नदियों के तटों पर ये दीपदान कर रही हैं। प्रचलित परंपराओं को निभाना हमारे लिए इस दौर में भले ही कठिन हो गया हो, लेकिन इन महिलाओं का जज्बा अपने आप में दृढ़ हैं, और यही हमारी संस्कृति की विरासत है। किस तरह से गा रही हैं ये महिलाएं, आप भी सुने। भाई हरी बनो, हरी बनता दातन भाता, करो जन्म रा पाप नाता, जीव्या है सो आपनी, अंत काल में पापनी, ले रे जीव्या यू को नाम, जो रावे वे कुंडावा, वसंतपरी में केदन रेता, वसंतपरी में पाची दन रेत, पाची दन रा करो स्नान, पाची गौवा दीजो दान, पाचा में श्रृंगार कराओ, पाचा ने भोजन कराओ, पाचा ने भोजन कराओ, ले से सोना रो दान, सवा से चांदी रो दान, सवा से सोना रो दान, सवा से पीतल रो दान, ब्या से कांगड़ा रो दान, ले ले जी पर योई दान, योई है कादी रो दान, चरी गाओ दिशन दीजो, बसंत परी में केली कीजो, मेना यासा उले तीर, पाप गया सा पेले तीर, मेना यासा चल में, पाप गया सा पर में, उले तीर, पाप गया सा स्वामी की जय।